हाय फ्रेंड्स, आई एम मानव गोयल फ्रॉम ठासरा गुजरात। अभी मैं आपको बात करने वाला हूँ विन्नी इमिग्रेशन के बारे में। पहले मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी में मैंने अप्लाई किया था, मैंने इंफॉर्मेशन निकाली थी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया विन्नी के बारे में, फिर मैं विन्नी में गया। वहाँ पर मुझे विशाल सर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, वो काफ़ी अच्छा था, मुझे सेटिस्फाई हुआ। बाद में पता चला कि वो जो कंसल्टेंसी है वो ICCRC अप्रूव है, यानी कनाडा की जो गवर्नमेंट जो है उसमें उसकी कंसल्टेंसी अप्रूव है। और बाकी सारे में क्या होता है, वो अप्रूव नहीं होती है, यानी उसमें क्या है, फेक होने के चांसेस है, हमारे पैसे भी चले जाते हैं और फ्रॉड भी होता है। लेकिन ये कंसल्टेंसी जो है उसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको कोई भी फ्यूचर में आपको काम है तो आप विन्नी से आप कर सकते हो। कोई भी आपको फाइल रखनी है, कोई भी आपको इमिग्रेशन के लिए या फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए, ये लोग फ्रॉड नहीं करते, उसकी जो प्रोसेस होती है वो टीम वाइज करते हैं। उसकी टीम में क्या होता है, हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसमें वेस्ट के लिए, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, सबके लिए क्या होता है, अलग अलग उसको स्टाफ है और डिपार्टमेंट वाइज वर्क होता है। हमको लगता है वो ये लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है उसको बैकग्राउंड में क्या करते हैं, उसके बहुत सारा स्टाफ होता है और सब लोग उस पर प्रोसेस कर ही रहते होते हैं। हमको ऐसा लगता है वो लोग नहीं करते, लेकिन वो साइलेंटली प्रोसेस करते हैं और वो हमारा काम पक्का करेंगे। थैंक यू।